मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर मां नर्मदा के किनारे हरदा जिले के हंडिया में एक दिवसीय सद्बुद्धि उपवास रखा। इससे पहले कमल पटेल की नाव नर्मदा नदी में फंस गई थी। हरदा के हंडिया में नर्मदा घाट पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर मां नर्मदा के किनारे एक दिवसीय सद्बुद्धि उपवास रखा। कमल पटेल लगातार किसान कानूनों को लेकर किसानों के बीच अलग जगाए हुए हैं। आज उपवास के लिए नाव से आ रहे कृषि मंत्री कमल पटेल की नाव ओवरलोड होने के कारण नर्मदा में फंस गई। इसके बाद दूसरी नाव से कृषि मंत्री कमल पटेल को नर्मदा के किनारे लाया गया। कमल पटेल गुरुवार दोपहर नेमावर के नर्मदा घाट से नाव पर सवार होकर नाभि कुंड में पूजा अर्चना करने के बाद हंडिया के नर्मदा घाट स्थित उपवास स्थल पर पहुंचे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ उन्होंने नर्मदा किनारे उपवास शुरू किया। इससे पहले खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा एवं किसानों द्वारा कृषि मंत्री का चने की उपज से तुला दान किया गया। बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल दिल्ली में तीन किसान कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसानों को भड़काने वाले कांग्रेसी एवं कम्युनिस्ट नेता की सद्बुद्धि के लिए उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान किसान नेता दर्शन सिंह ने कहा कि 20वीं सदी अमेरिका की थी लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी जो भारत के किसानों के दम पर रहेगी। इंद्र भगवान के दर्शन करके मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर मैं नाभि कुंड नर्मदा जी से प्रार्थना करने उपवास में बैठा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार ने किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए दशा और दिशा बदलने के लिए किसान की खेती घाटे का लाभ का धंधा बनाने के लिए तीन कृषि कानून में संशोधन किया है और स्वामित्व भी कराए हैं जो किसान की आय दोगुना करेगी 2022 तक और इसलिए ये किसानों के हित में है। लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट और विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि किसान की आय बढ़े, नहीं चाहती कि सरकार अच्छा कार्य करे और इसलिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और कुछ किसान संगठन जो किसान के हित में हो कानून होने के बावजूद भी विरोध कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान। कांग्रेस कम्युनिस्ट और सभी विपक्षी नेताओं को और किसानों को गुमराह करने वाले नेताओं को ये किसान आंदोलन समाप्त हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।